इस वीडियो का नब्ज़ भी टेस्ट करेंगे नोकिया 6.1 प्लस में ओरियो और पाई के बीच में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड के अंदर ओरियो इंस्टॉल्ड है और राइट साइड के अंदर पाई इंस्टॉल है और दोनों सेम नेटवर्क पे हैं और दोनों की कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन ओपन नहीं है। तो स्पीड टेस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो मैंने स्टार्ट किया अभी। और यहाँ पे पाई का जो पैरेलल ऐप है वो 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गया है। और जो ओरियो का टाइम है वो 1 मिनट 50 सेकंड। और जो कंप्लीट टेस्ट है वो पाई में 3 मिनट में ख़त्म हो गया है। और जबकि जो ओरियो में 3 मिनट 13 सेकंड लगे उसने कंप्लीट करने के लिए। वैसे हमें विनर तो पाई निकल के आ गया, पर मैंने एक चीज़ नोटिस की इसके अंदर, ये ओरियो या पाई हो दोनों में, कि जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है ना, जो रैम मैनेजमेंट है इसके अंदर, वो दोनों में बहुत ज़्यादा बेकार निकल के आई है। जैसे आपने देखा होगा स्पीड टेस्ट में कि कितना, मतलब बहुत सारी की सारी एप्लीकेशन मोस्टली जितनी भी गेम्स थे वो सारे के सारे दोबारा रीलोड हो गए, वो चाहे ओरियो में हो या पाई में हो। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 636 है और 4GB रैम है। तो मैंने ऐसा दूसरा फ़ोन तो कोई देखा नहीं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा रैम मैनेजमेंट घटिया हो। पता नहीं नोकिया ने इसके पीछे क्या ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है कि ये चार ऐप्स भी अपने रैम में होल्ड नहीं कर सकता है। बाकी ठीक है, चलो अगर आपने वाला फ़ोन ख़रीद रखा है तो अपडेट आ चुकी है, तो अपडेट कर सकते हैं और पाई का टेस्ट ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।